हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है राजेश और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड शेयर के बारे में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में हमें 583 रुपीज़ के करीब में क्लोजिंग देखने को मिली और 2% की गिरावट देखने को मिली। और वहीं अगर लास्ट वन मंथ के रिटर्न की बात करें तो 3% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 31% से ज़्यादा का हमें स्टॉक में रिटर्न देखने को मिला है। और लास्ट 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें 109% की तेज़ी देखने को मिली है इस स्टॉक में। बहुत ही कमाल की रैली दिखाई है स्टॉक ने। क्वार्टर वन के रिजल्ट्स भी आए थे, तो चलिए देखते हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट्स किस प्रकार आए हैं। तो नेट सेल्स की अगर बात करी जाए तो आप देख सकते हैं एक साल पहले 580 करोड़ के करीब में नेट सेल्स हुआ करती थी और करंट के क्वार्टर में 755 करोड़ है। तो यहाँ से आप देखिए ईयरली बेसिस पर कितना ही ज़बरदस्त हमें यहाँ पे लगभग 30% की ग्रोथ देखने को मिली है नेट सेल्स में। अगर प्रीवियस क्वार्टर से भी देखें तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छी नेट सेल्स निकल कर आती है कंपनी की। अगर एबिटा की हम बात करें तो आप देख सकते हैं एक साल पहले 33 करोड़ का एबिटा था कंपनी का और करंट में 46 करोड़ का हो गया है, जो कि काफ़ी तगड़ी ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिली है। एबिटा में भी यहाँ पर 38% की ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिलती है कंपनी के एबिटा में। इसकी बात करी जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट भी कंपनी का जो है बढ़ता हुआ आया है, मतलब कि कंपनी ने जो डेप्ट है उसको इंक्रीज़ किया है। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं एक साल पहले 50 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चलता था और करंट में 76 करोड़ के करीब में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चल रहा है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ यहाँ पर रजिस्टर की है दोस्तों। यहाँ पर सिंपली एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ऐसे आ रही थी, तो इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था और यहाँ से स्टॉक में रीटेस्टिंग भी हुई और वापस से स्टॉक ऊपर की तरफ निकला और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर रिटर्न बना के दिया स्टॉक। तो इस एंगल से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्लियरली कि स्टॉक में एक और चैनल बन रहा है। तो यहाँ पे जो स्टॉक है सिंपली इस ट्रेंड लाइन पे, नीचे की ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ पे भी देखिए करंट में स्टॉक है अभी ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा दूर देखने को मिल रहा है, इसी वजह से अभी जो स्टॉक में कोई भी करंटली ट्रेड नहीं बन रहा है। और अगर बात करी जाए ऊपर की साइड तो ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पर भी कोशिश की थी ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने की, बट जो स्टॉक था इसका ब्रेकआउट नहीं दे पाया। और अभी बात करी जाए सपोर्ट की, तो सपोर्ट दोस्तों इस स्टॉक में फाइंड करने के लिए आप बहुत ही सिंपल एक स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 100 डेज़ का एक्सपोनेंशियल यूज़ करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे इसके जो सपोर्ट है वो इजीली आप निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे जो मैंने सपोर्ट है इसके फाइंड किए हैं, जो सपोर्ट आ रहा है दोस्तों यहाँ से 540 से 550 रुपीज़ के करीब में यहाँ से सपोर्ट निकल के आ रहा है इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक में अगर आपको एंट्री करनी है तो कहीं आप 540 से 550 रुपीज़ के करीब में कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके स्टॉप लॉसेज जो हैं दोस्तों वो छोटे निकले। स्टॉप लॉस की बात करी जाए तो आपके स्टॉप लॉस आएंगे दोस्तों 520 रुपीज़ के नीचे। और यहाँ से अगर टारगेट की बात करी जाए तो टारगेट आपके यहाँ पे काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर 650 रुपीज़ के लेवल को स्टॉक निकालता है तो यहाँ से फिर हमें 700 रुपीज़ के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जो नंबर्स है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं। बट अगर बात करी जाए स्टॉक में सपोर्ट की, तो सपोर्ट जैसा मैंने बताया 100 डेज़ का एक्सपोनेंशियल आप यूज़ कर सकते हैं। 100 डेज़ के एक्सपोनेंशियल के ऊपर चल रहा है तो स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है, और अगर नीचे आता है तो यहाँ पर वीकनेस हमें देखने को मिलती है। तो सिंपली आप ये स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। और अगर बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट जैसा कि बताया 540 से 550 रुपीज़ के बीच में है, तो अगर 650 के लेवल को निकालता है तो स्टॉक में और तेज़ी आ सकती है और स्टॉक 700 रुपीज़ के तरफ भी जा सकता है। और जो 700 रुपीज़ के टारगेट किस तरह से आ रहे हैं तो वो भी मैंने आपको निकाला कि जो स्टॉक है वो दोस्तों चैनल में चल रहा है। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का अगर हम देखें तो यहाँ इस चैनल के करीब आएगा तो यहाँ पर 700 रुपीज़ का लेवल ही आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता भी दिया कि किस तरीके से मैंने सपोर्ट और टारगेट को फाइंड किया है। अगर इस स्टॉक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो दोस्तों तो कॉमेंट करिएगा, जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में यहीं तक रखता हूं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।